हेलो फ्रेंड्स, asosomkitchen.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ गर्मियों की शान जान और आन फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। अगर आप लोग भी सोचते हैं कि मेहनत का फल मीठा हो, तो प्लीज इस गर्मी में आप कहिए कि मेहनत का फल या सब्र का फल ये फ्रूट कस्टर्ड ही होना चाहिए। तो आज का जो ये कस्टर्ड की रेसिपी आपके संग शेयर कर रही हूँ ना, ये बिना किसी कस्टर्ड पाउडर के बनेगा। ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी और टेक्सचर वाला फ्रूट कस्टर्ड। तो इस रेसिपी को चलिए हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया था, फिर इसमें मैंने डाल दिया है ये 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। आपके एरिया में कोई भी फुल क्रीम मिल्क वाला जो पैकेट हो वो आप ले लीजिए, और आप चाहें तो घर का भी दूध इसमें यूज कर सकते हैं। इसको डालने के बाद लेके चलिए आप अपनी गैस की ओर और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लीजिए। गरम आपको इसको हल्के हल्के जो इसके कोने में बुलबुले से आ जाते हैं ना, तब तक आपको इसको गरम करना है। और जैसे ही ये सिमर होने लग जाएगा, यानी इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 कप जितनी चीनी, या फिर आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। चीनी को आप 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही घोल लीजिए। चीनी घुलने के बाद आप फ्लेम को कीजिए बिल्कुल स्लो, और एक स्लरी तैयार करेंगे हम जो कि बिना कस्टर्ड पाउडर के बनेगी। तो एक बाउल में ले लीजिए 3 टेबल स्पून जितना ये कॉर्नफ्लोर, और इसके बाद इसमें ऐड कीजिए 1/2 कप जितना नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क, और इसमें डाल दीजिए आप येलो फूड कलर, चाहे तो वनीला एसेंस डाल सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का बना रहे हैं तो उसका एसेंस डाल दीजिए, या फिर इसको आप कलर के साथ भी शो कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसको हमारे गर्म होते हुए दूध में हम ऐड कर देंगे। और ये जो हमने स्लरी डाली है, इसको डालने के बाद फ्लेम को कीजिए आप मीडियम, और इसको लगातार आप चलाते रहिए। चलाते रहने से क्या होगा, हमारा जो ये कस्टर्ड है ना, ये बिल्कुल भी तले पे चिपकेगा नहीं। 5-7 मिनट काफी होगा इस कस्टर्ड को बनने के लिए। और ये देखिए, जब तक ये थिक और क्रीमी ना हो जाए, पीछे से लाइन ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल क्लियर है लाइन। और अब आपको गैस ऑफ तुरंत कर देना है, और इसको गैस स्टोव से निकाल के आपके किचन काउंटर पे रख देना है। देखिए, मैंने इसको कम से कम 20-30 मिनट के लिए किचन काउंटर पे रख के ही ठंडा होने दिया है। थोड़ा सा ये ज्यादा थिक हो गया है, तो इसे मैं मिक्स करके बिल्कुल एक सार कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं मनपसंद फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, सेब, चेरी, काले अंगूर, हरे अंगूर। ये मैंने यहाँ पे मस्क मेलन लिया है, और आप चाहें तो अपने पसंद के फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके घर में खाए जाते हैं। अब इसमें हम बनाना ऐड करेंगे ये 3। केले और सेब का जो टेस्ट होता है ना इस कस्टर्ड में, सचमुच बहुत ही लाजवाब आता है। तो आप केले और सेब का यूज भी करके इस कस्टर्ड को बना सकते हैं, चाहे और कोई फ्रूट्स आप डालें या ना डालें। इसको मिला दिया है मैंने अच्छे से। अब इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कतरन में कटे हुए बादाम, साथ ही 1/2 कप जितने ये अनार के दाने, और इनको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे फ्रूट्स चॉइस आपके पसंद की होगी, आपको जैसा पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा फ्रूट कस्टर्ड बन के तैयार है। लेकिन अभी कसर बाकी है, क्योंकि ये जो फ्रूट कस्टर्ड है ना, ये बिना ठंडा करे खाने में मजा नहीं आता है। तो जब तक अच्छी तरीके से ये ठंडा ना हो जाए ना, तब तक इसको खाने का कोई भी स्वाद या मजा नहीं आता है। तो आपको इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेना है। आप चाहें तो इस पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सजावट मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे 1 घंटे के लिए मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में, और ये 1 घंटे बाद देखिए हमारा जो ये फ्रूट कस्टर्ड है ये तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रीमी, ठंडा ठंडा, टेस्टी। यकीन मानिए, बिना कस्टर्ड पाउडर के भी आपका ये जो फ्रूट कस्टर्ड है ना, जबरदस्त बनेगा। और नो फेल रेसिपी है, एक ही बार में आपके घर में इस रेसिपी को बना के आप एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको होममेड कस्टर्ड पाउडर बनाना है, तो मैंने उसकी रेसिपी भी आपके संग शेयर की है, तो आप वो भी देखना ना भूलिएगा। इसे सर्व कीजिए बिल्कुल ठंडा ठंडा, और एंजॉय कीजिए। मैं तो कर रही हूँ मेरा वाला हिस्सा, आप अपने घर में बनाइए, मुझे बताइए कि आपको ये फ्रूट कस्टर्ड कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए फ्रूट कस्टर्ड की इस लाजवाब सी रेसिपी को। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिली बनाए रखिए, और जुड़े रहिए आसोसम किचन से। बाय बाय।